Hello children, I am Soni, your SST teacher, and today we will start a new chapter which is from July course, and the name of this lesson is the coastal plains and the island. Okay, this is chapter 6, and these are the word meaning which is related to your lesson. First is cyclones. What is the meaning of cyclones? Chakravat. And second is narrow. It means sankirn. Third is island. It means dweep. Fourth is coastal. It means tatiya. And fifth is plain area. It means maidani chhetra. Okay. And in this lesson, we will study these topics. First is the eastern coastal plains and its location. And second is the western coastal plains. And third is the islands of India. Okay children, now let's start it. Now the coastal plains and the island. Children, in this lesson we will study coastal plains and the island. Now what is coastal plains? कोस्टल प्लेन क्या है? कोस्टल प्लेन समुद्र तट के किनारे का जो मैदान होता है उसको कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं. ओके, एंड द आइलैंड, आइलैंड क्या है? वैसा लैंड जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है उसको आइलैंड बोलते हैं. ओके, नाउ द टू स्ट्रेचेज ऑफ लैंड बॉर्डरिंग द साउदर्न प्लेट्यू इन द ईस्ट एंड द वेस्ट आर द कोस्टल प्लेन्स. यानी दो फैली हुई समतल भूमि जो साउथर्न प्लेट्यू को क्या करती है? घेरे हुए है. किस तरफ से? ईस्ट और वेस्ट के तरफ से. उसी को हम लोग, उसी एरियाज को हम लोग कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं. ओके, द टोटल लेंथ ऑफ दीज प्लेन्स इज अबाउट 6000 किलोमीटर. और पूरा लेंथ जो है इस प्लेन एरियाज का, जो ईस्ट से वेस्ट तक साउदर्न प्लेट्यू को घेरे हुए है, उसका कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? ये 6000 किलोमीटर. ओके चिल्ड्रन, वी कैन डिवाइड कोस्टल प्लेन्स इनटू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. यानी कि हम लोग कोस्टल प्लेन्स को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, करते हैं, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. चिल्ड्रेन लुक एट दिस मैप. दिस इज द मैप वेयर दिस ग्रीन पार्ट, ये जो हरे कलर का, ग्रीन कलर का जो भाग है, ये आपका क्या है? कोस्टल एरियाज है. ठीक है, ये साउदर्न में, यानी ये किधर है आपका? आपका ऊपर का जो भाग होता है मैप का वो क्या कहलाता है? नॉर्दर्न. और नीचे का जो भाग है इंडिया के मैप का वो कहलाता है साउदर्न. ओके, तो ये जो भाग है आपका, ये जो पार्ट है आपका, ये आपका क्या हो गया? इधर का पार्ट, क्योंकि ये ईस्ट की तरफ है, तो ये हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. और ये वेस्ट की तरफ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? वेस्टर्न, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ओके चिल्ड्रेन, और ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हो यहाँ से इस तरफ तक, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न घाट. और इधर जो आप देख रहे हो ये है ईस्टर्न घाट. ओके, और इसके बीच में आपका साउदर्न प्लेट्यू आ जाता है. ओके चिल्ड्रेन, नाउ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ओके चिल्ड्रन, मैप से आप लोगों को समझ में अब आ गया होगा. लोकेशन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे. लोकेशन कहाँ है? द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल. यानी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहाँ है? ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल. कहाँ है? ईस्टर्न घाट से लेकर बे ऑफ बंगाल तक. ओके, लुक एट दिस, ये आपका ईस्टर्न घाट हो गया, ये आपका ईस्टर्न घाट हो गया, ये ब्लैक कलर से आपको दिख रहा होगा.
और इधर आपका क्या है, इस लाइन की तरफ आते हैं तो ये है बे ऑफ बंगाल, ओके। ये आपका ईस्टर्न घाट और ये है बे ऑफ बंगाल, और इसके बीच में जो है ये कौन सा पार्ट आ गया, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ओके। नाउ दीज इंक्लूड पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी एंड तमिलनाडु। इसमें कौन कौन से जगह आ जाते हैं, तो इसमें आ जाता है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु। द विड्थ ऑफ द कोस्टल प्लेन इज नॉट द सेम एवरीवेयर, यानी इस कोस्टल प्लेन की यानी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की जो चौड़ाई है वो हर जगह एक समान नहीं है, कहीं पे बहुत चौड़ी है, कहीं पे थोड़ी पतली है। द एवरेज विड्थ इज अबाउट 125 किलोमीटर, जो एवरेज चौड़ाई है वो कितनी है, 125 किलोमीटर। द ईस्टर्न कोस्टल रीजन इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, यानी कि ईस्टर्न कोस्टल रीजन जो है वो दो भाग में डिवाइड किया गया है, द नॉर्दर्न सरकार्स और दूसरा क्या है, द कोरोमंडल कोस्ट, ओके। द नॉर्दर्न सरकार्स और दूसरा क्या है, द कोरोमंडल कोस्ट। नाउ लुक लुक एट दिस पिक्चर हियर, ये जो पार्ट हो गया आपका, ये हो गया नॉर्दर्न सरकार्स और इधर का भाग ये हो गया आपका कोरोमंडल कोस्ट, ओके। नाउ द मेजर रिवर्स ऑफ दिस रीजन आर द महानदी इन उड़ीसा, द गोदावरी, कृष्णा इन आंध्र प्रदेश एंड द कावेरी इन तमिलनाडु। यहाँ पे जो मेजर नदियाँ, ये जो बहुत प्रमुख नदियाँ जो यहाँ बहती हैं वो कौन कौन सी हैं, महानदी जो कि उड़ीसा से होके बहती हैं, गोदावरी एंड कृष्णा जो कि आंध्र प्रदेश से होती हुई बहती हैं, एंड द कावेरी इन तमिलनाडु जो तमिलनाडु में बहती हैं। ऑल दीज रिवर्स फ्लोज इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, और ये सारी नदियाँ साउथ ईस्ट डायरेक्शन से होकर के गुजरती हैं, यानी कि नीचे साउथ हो गया और साइड में आपका ईस्ट हो गया, तो उसके बीच से, एंड फॉल इन टू द बे ऑफ बंगाल, और कहाँ जाके मिलती हैं, बे ऑफ बंगाल में। दे फॉर्म लार्ज डेल्टा विच आर वेरी फर्टाइल, और ये क्या फॉर्म करती हैं, बहुत बड़ा डेल्टा फॉर्म करती हैं जो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है। राइस इज ग्रोन हेयर, यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है, राइस, चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज एग्रीकल्चर एंड फिशिंग, यहाँ का जो मेन व्यवसाय है वो क्या है, एग्रीकल्चर यानी खेती और मछली पालन। द कोरोमंडल कोस्ट रिसीव्स रेन इन विंटर एंड इज ऑफेन हिट बाई साइक्लोन्स, यानी कोरोमंडल रीजन जो है, जो कोस्टल एरियाज मैंने आपको मैप में अभी दिखाया, वहाँ पे ठंड के मौसम में बारिश कभी कभी होती है, बारिश होती है, एंड इज ऑफन हिट बाई साइक्लोन, और वहाँ पे साइक्लोन भी आते हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ दिस रीजन आर पारादीप, उड़ीसा, विशाखापट्टनम, यानी कि यहाँ के जो इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं इस रीजन के वो कौन सा है, पहला है पारादीप जो उड़ीसा में है, और दूसरा विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में है चेन्नई, एंड ट्यूटीकोरिन इन तमिलनाडु, एंड पुडुचेरी विच इज अ यूनियन टेरिटरी, और पुडुचेरी जो है वो क्या है, यूनियन टेरिटरी है। नाउ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो वेस्टर्न घाट और अरेबियन के बीच में है, एंड स्ट्रेच फ्रॉम गुजरात टू केरला, और कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, गुजरात से लेके केरला तक, यानी वेस्टर्न घाट देखिए किधर है, ये है वेस्टर्न घाट और ये है आपका अरेबियन सी, दिस इज द बॉर्डर लाइन, ये आपका बॉर्डर लाइन है, और ये जो बीच का पार्ट है ग्रीन कलर का, ये आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एरियाज, और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, गुजरात से लेकर के केरला तक, ओके। दिस रीजन इंक्लूड्स द कोस्टल एरियाज ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। ये जो एरियाज हैं इसमें कौन कौन से रीजन्स जो इंक्लूड होते हैं,
तो आपका गुजरात आ जाता है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नैरोअर इन विड्थ कंपेयर टू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. यानी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है उसकी चौड़ाई ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से कम है, यानी थोड़ी पतली है ये. द एवरेज विड्थ इज अबाउट 65 किलोमीटर, यानी इसकी जो एवरेज चौड़ाई है वो 65 किलोमीटर है. द वेस्टर्न कोस्ट कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट, यानी वेस्टर्न कोस्ट को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है. द गुजरात कोस्ट इन द नॉर्थ, द कोंकण कोस्ट अप टू गोवा, द मालाबार कोस्ट फ्रॉम गोवा टू कन्याकुमारी. यानी गुजरात कोस्ट जो कि नॉर्थ में है, द कोंकण कोस्ट जो कि गोवा के तरफ है गोवा से, एंड द मालाबार कोस्ट फ्रॉम गोवा टू कन्याकुमारी. मालाबार कोस्ट कहाँ से कहाँ तक? गोवा से लेकर के कन्याकुमारी तक, यहाँ तक. ओके, आपका गुजरात इधर आ जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ मुंबई के पास से आपका गोवा, और फिर गोवा से लेकर उसके बाद गुजरात के बाद गोवा, यहाँ से मान लीजिए यहाँ गोवा है तो गोवा से लेकर के आगे कन्याकुमारी तक आपका मालाबार कोस्ट आ जाएगा. दिस रीजन गेट हेवी रेनफॉल ड्यूरिंग समर. ये रीजन जो है यहाँ पे समर के टाइम में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, यानी बारिश होती है. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज एग्रीकल्चर एंड फिशिंग. यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है? एग्रीकल्चर और फिशिंग, मछली पालन करना है, क्योंकि समुद्र का किनारा है तो यहाँ पे फिशिंग बहुत आसानी से हो जाता है. एंड कॉटन, कॉटन, सुगर केन, राइस एंड स्पाइसेस आर द मेजर क्रॉप्स. और यहाँ का जो मेजर क्रॉप्स है वो कौन कौन सा है? कॉटन है, सुगर केन है, राइस है, स्पाइसेस है, ये सब मेजर क्रॉप्स हैं. खंडाला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मारमागाओ, मैंगलोर एंड कोची आर इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ दिस रीजन. यहाँ के ये कुछ जो मैंने नाम अभी लिए ये इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट हैं इस रीजन के. ओके, नाउ दिस इज द कंपैरिजन ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ओके, ये कंपैरिजन है, तुलना की गई है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बीच और से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बीच. दे लाइज बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट. यानी कि ये कहाँ है? अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में. अरेबियन सी, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात हो रही है तो यहाँ पे देख लीजिए, अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में ये वाला पार्ट. ओके, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इस तरफ का वही पार्ट है ये वाला. ओके, नाउ दे लाइज बिटवीन द बे ऑफ बंगाल एंड द ईस्टर्न घाट. और ये कहाँ किधर है? बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में. ओके, दे आर नैरो, यानी ये थोड़ी पतली है, थोड़ी ये बहुत ही नैरो है. दे आर कंपेरेटिवली वाइडर, और ये थोड़ी चौड़ी है, यानी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है चौड़ी है और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो नैरो है. थर्ड है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में रेन इन समर, यहाँ पे गर्मियों में बारिश होती है, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में विंटर में बारिश होती है कोरोमंडल में. द अपर पार्ट इज कॉल्ड कोंकण, इसका जो ऊपरी भाग है उसको कोंकण बोला जाता है. अपर पार्ट इज कॉल्ड नॉर्दर्न सरकरा, और इसका जो अपर भाग है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न सरकार. फिफ्थ में द लोअर पार्ट इज कॉल्ड मालाबार, इसके जो निचला हिस्सा है उसको मालाबार बोला जाता है. लोअर पार्ट इज कॉल्ड कोरोमंडल, इसके लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल बोलते हैं. कंप्राइजिंग द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला. यहाँ पे जो स्टेट्स इसके अंदर आते हैं वो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, और इसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. रिवर डू नॉट फॉर्म डेल्टास, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो रिवर्स हैं वो डेल्टास नहीं फॉर्म करते. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में इट हैज़ रिवर्स विच मेक फर्टाइल डेल्टास, फॉर एग्जाम्पल महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. यानी इसमें जो नदियाँ हैं, इसमें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से जो नदियाँ बहती हैं वो यहाँ पर डेल्टास फॉर्म करती हैं. वो कौन कौन सी नदियाँ हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी.
और रिवर्स डू नॉट फॉर्म डेल्टा, और यहाँ पे कोई भी रिवर्स कोई डेल्टा फॉर्म नहीं करती. ओके, नाउ आज जितना मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप दैट. नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक. बाय.